और इसराइल ने एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी के घर को गिराने का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को जारी कर इसराइल ने फिलिस्तीनियों को एक संदेश भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। घर को धमाके से उड़ाने का ये वीडियो इसराइल का है। दरअसल इसराइल ने सोमवार को दो फिलिस्तीनियों के परिवारों के घरों को ब्लास्ट कर दिया। ये पूरा मामला सितंबर का है। इसी साल सितंबर में गोलीबारी के दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई थी। इजरायली सेना ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए पहले तो इस गांव पर हमला बोल दिया जिसमें दोनों फिलिस्तीनी रहते थे। हमले के दौरान इजरायली सेना पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दो फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें से एक उस हमले में भी शामिल था जिस गोलीबारी में इजरायली सैनिक की मौत हुई थी। इसके बाद इसराइल की सेना ने अपने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सेना ने दोनों फिलिस्तीनी आरोपियों के घरों को ब्लास्ट करने की तैयारी की। ड्रिल के जरिए उनमें ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बारूद भरा गया और फिर धमाके के साथ पूरे घर को उड़ा दिया। इसराइल की सेना बीते काफी समय से फिलिस्तीनी शहरों और कस्बों में करीब करीब दैनिक छापे मार रही है और इसमें 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं सऊदी में महिलाओं के खिलाफ सख्त नियमों के बीच खुशखबरी आई है। अब सऊदी अरब में महिलाएं भी जल्द बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी। आप ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब में महिलाओं के प्रति धीरे धीरे उदारता बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब में महज 4 साल पहले ही महिलाओं के ड्राइविंग करने पर लगे बैन को हटाया गया था। अब यहां की महिलाएं बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत महिलाओं का ये सपना साकार होने जा रहा है। सऊदी अरब रेलवे ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही इस बुलेट ट्रेन के ड्राइवर्स का एक वीडियो भी जारी किया है। 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी कर चुका है। इनकी पहली नियुक्ति मक्का और मदीना के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन में की गई है। सऊदी अरब रेलवे की ओर से जारी किए गए वीडियो में महिलाएं अपने पुरुष सहयोगी के साथ नजर आ रही हैं। ये वीडियो नए साल के पहले दिन जारी किया गया है। ट्रेनिंग के बाद अब इस बैच में शामिल महिलाएं 453 किलोमीटर लंबी हरमेन हाई स्पीड लाइन पर बुलेट ट्रेन दौड़ाती नजर आएंगी। यही लाइन मक्का और मदीना को जोड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सऊदी अरब में नौकरी करने वाली महिलाएं केवल 20% थी। 2020 के आखिर में यह आंकड़ा 33% हो गया। और नमस्ते इंडिया में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का ये डबल डोज अभी भी जारी रहेगा। हम फौरन लौट रहे हैं। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।